अल ज़बीहा लाइव स्टॉक प्राइवेट लिमिटेड की बुनियाद 2016 में रखी गई, तमाम मकासद के लिए और ईद उल अज़हा के दौरान कुर्बानी जैसे मौके के लिए बेहतरीन नस्ल और सेहतमंद भेड़ों का मिशन है। मियार और खिदमात के लिहाज से इनके पास बेहतरीन तरीक़ों ने उन्हें दराबाद दक्कन के इलाके में भेड़ों का नंबर एक खुर्दा सप्लायर भी बना दिया है। उनके ज़रिए कई तरह की भेड़ें हर कस्म की मौजूद हैं। उनके पास बरसों की तहकीक और तजुर्बे के गैर सेहत बख्श गलत तरीके से खुलाया गया चरने के लिए गैर सेहत बख्श माहौल और मंडी में भेड़ बकरियों का बेचना मामूल बन गया है। भेड़ों की क्वालिटी, गोश्त और इसके इर्द गिर्द के अमल ज़्यादातर मियारी, लिहाजा उन्होंने अपनी अमल को तैयार करने में इंतहाई एहतियात बरती है और उन वो इस पर अमल पैरा भी हैं। अमल को कुलीदी मकसद के तौर पर मियार को बरकरार रखना है और इस अमल या मियार में कभी भी वो समझौता नहीं करना चाहते। हल करने के लिए न सिर्फ ये कि ऑनलाइन बुकिंग का आगाज किया गया बल्कि जानवर भी जो है फराहम किए गए तेलंगाना बोर्ड लेके। तो मैं समझता हूँ 2016 से सर्विसेज जारी है और इस साल जो सर्विसेज दी जाने वाली है ईद उल जुहा के मौके पर, उसके बारे में जो है सफी साहब और अजीम साहब, रफी साहब आपको तफसीलात बताएंगे। इनकी तफसीलात बताने के बाद आप अगर कोई सवाल हैं तो द हाउस विल बी ओपन फॉर क्वेश्चंस। एक्चुअली उसके अंदर जो है आपको जब हम बकरे को जुबा करते हैं तो उसके अंदर आपको एक उसका स्किन होता है, एक स्किन होता है, तो हम जो है वो स्किन को जमा करके कोई भी ट्रस्ट को हम दे देते हैं एक चीज़, और उसकी रिसिप्ट भी हम जो है वेबसाइट पर डिस्प्ले करते हैं। और दूसरी चीज़ उसके अंदर जो बोटी वगैरह है उसको हम जो है पैक करके नहीं दे सकते, और दूसरी चीज़ उसको पैक करने के लिए वो गंदगी है उसे साफ करके पैक करना पड़ेगा। ये प्रोसेस के लिए बहुत टाइम लगेगा, तो इस वजह से क्या होगा लोगों की जो कुर्बानी है उन तक नहीं पहुंच सकेगी, इसलिए हम उसके अंदर बोटी का पार्ट जो है हम उसके अंदर वो पैकेज में नहीं देते। अलबत्ता लिवर सेट करके उसका रहता वो आ जाता, अलबत्ता जिसमें गंदगी वाली जो बोटी रहती उस वो जो है वो बॉक्स में नहीं आएंगे। बाकी हेड हर चीज़ आपको सरे पाए जो भी होते हैं ना बाकी सारे चीज़ें उसके अंदर रहेंगे बॉक्स के अंदर। आपके स्टॉल्स कहाँ कहाँ मौजूद रहेंगे? छोली चौकी में रहेंगे, और हमारे स्टॉल्स का ऐसा है कि जिस तरह की बुकिंग्स होते हैं बुकिंग के ऊपर जैसे मलकपेट पे अगर हमारा वो रहेगा तो वहाँ पे हमारा स्टॉल रहेगा, टोली चुकी में स्टॉल रहेगा, शहर में अलग अलग जगह पे रहेगा, लेकिन आपको टोली चुकी में तो फिक्स अवेलेबल है और जैसा डिमांड है कंपनी जैसा डिसाइड करती है वैसे अलग अलग स्टॉल्स भी आएंगे शहर के अलग अलग इलाकों में। 800 रुपये किलो बहुत चल रहा है लेकिन उसका कोई रेट तय करने का तरीका नहीं हो। अब सामने वाले के लिए बाद में 10 किलो गोश्त 12 किलो गोश्त ना बेचने वाले को पता होता है ना खरीदने वाले को पता होता है कितना गोश्त निकलता है, तो इसकी रिसर्च के लिए हम जो है एक सेंटर फॉर शिप एंड गोट रिसर्च करके CSRWIO के सेंट्रल गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूट जो पूरे हिंदुस्तान की ब्रीड्स कंट्रोल करती है जिससे कि तेलंगाना पोर्टला है उसको हम जो है साइंटिफिकली डेकेबल कहते हैं, तो उन लोगों के पास हम उनकी रिसर्च में ये है कि आपको जो है तेलंगाना पोर्टला में ये मटन रेशियो वाला ब्रीड है और इसमें आपको 50% टेस्टिंग रेशियो होता है उनके स्टैंडर्ड के हिसाब से, हम उसको चेक किए। उसके बाद जो है अब हम जिस तरह अब जो प्राइस हम आपको दे रहे हैं 395 ये फेयर कैसा है ये बात को जस्टिफिकेशन के लिए हम ये बताते हैं कि वो इसके प्राइस से आप कंपेयर कर सकते हैं। अगर आप 30 किलो का बकरा लेंगे तो तकरीबन 14 से 15 किलो उसके अंदर गोश्त होगा, जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आप जो पैसे हम आप पे कर रहे हैं वैल्यू फॉर मनी आपको मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। ये जो है हमारे जो बोर्ड पर कुछ फाउंडेशन है यानी कि ट्रस्ट की वो उनको हम वो दे देंगे उनसे हम रिसिप्ट लेके हम उसको जो है आपके हमारे वेबसाइट पे डिस्प्ले कर देते हैं। जो है स्टॉक पे जानवर अवेलेबल होगा वो आपको जो है वहाँ का प्राइस जो है वो उसी का मार्केट के फ्लक्चुएशन के हिसाब से सेट होगा। ये आपको जो अभी हम एडवांस बुकिंग दे रहे हैं ये आपको बेस्ट प्राइस देगा मार्केट में, देयर इज नो फ्लक्चुएशन, कोई फ्लक्चुएशन के बगैर जो बेस्ट हो सकता था हमेशा से अल ज़बीहा का ये रहा है कि वो मार्केट में जो है बेस्ट प्राइस और फेयर प्रैक्टिस को प्रमोट किया है। पिछली बार भी हमने कई बार जो है हमारे एडवर्टाइजमेंट में रहने दीजिए 2016 से हम मार्केट को ये एजुकेट कर रहे हैं हमारे लोगों को कि हम जो है केजी में जो है बकरा जो है देने की वजह हमारी ये है
कि कोई पैरामीटर नहीं है आप जो है कोई बकरी जानवर की कीमत लगाने के लिए, उसी लिए हम लोग ने 100 kg में जो है इसको लाया है। इसके अंदर जो है ये एक शरई उमूर है, इस वजह से इसके अंदर हमने कई इदारों से जो है इसकी इजाज़त के बाद फतवों के बाद इस तरह का कॉन्सेप्ट हमने क्रिएट किया है। मैं कैटेगरी की वन की आपको तफसीलात देता हूँ। इसमें ये होता है कि आप स्टॉक में जब पहुँचते हैं, जो भी आपको क्या जानवर पसंद आए उसका रेट टाइम करने के लिए आपको वेट करके उसका जो है रकम अदा करनी होती है। जो हमारे पास एडवांस बुकिंग कस्टमर होता है, और एडवांस बुकिंग कस्टमर जो है 4,000 रुपये पहले ही अदा कर चुका होता है, तो जो भी अगर वो जानवर पसंद करेगा वो जानवर का वो प्राइस 395 से सेट होगा। मैं एग्जांपल देता हूँ, 20 किलो का कोई बच्चा है, 395 से जो है 7,000 के करीब करीब जो उसका 8,000 के करीब करीब जो प्राइस होगा, उसमें से 4,000 लेस हो जाएंगे, रिमेनिंग वो अदा करके जो है अपना बकरा लेके जा सकता है। और जो लोग एडवांस बुकिंग नहीं करे हुए हैं, जो प्राइस ईद का प्राइस जो खुलेगा वो प्राइस के हिसाब से वो कैलकुलेट करके ले जा सकते हैं। ये कैटेगरी वन है जिसकी प्रैक्टिस हम पिछले 2016 से ही कर ले जा रहे हैं। लास्ट 2020 में कोविड को मद्देनजर रखते हुए कुर्बानी एक शरय उमूर है जिसका कोई मुतबादिल नहीं है, उसके लिए जो है कंपनी ने जो है इसके लिए हम क्या कर सकते हैं इस पर एक चीज़ तय की थी, इसका नाम था कैटेगरी टू, जिसको हम जो है कैंपेन के जरिए सेफली डिस्चार्ज और रिलीजियस ऑब्लिगेशन करके हम जो है ये थीम से जो है मार्केट में आए थे। इसके अंदर क्या था कि आप सिर्फ ऑनलाइन जाके अपने डिटेल्स, अपना नाम, जिसको कुर्बानी देना चाह रहे हैं उनका नाम, उनके वालिद का नाम, और वो डिटेल्स को उसमें सबमिट करके और पेमेंट करने से उनको उनकी कुर्बानी हो जाती थी, और हम उसे पैक करके जो हमारे पॉइंट्स है वो पॉइंट्स तक हम पहुंचा देते थे। तो उस पॉइंट बन करवा रहे उस पॉइंट तक पहुंचा देते थे जहां से कस्टमर जो है रिसीव करता था। उस वो कैटेगरी टू का प्रोसीजर ये था कि हम जो है ऑनलाइन बुक करते थे, लोग जो हमें ऑनलाइन बुक करेंगे हम उनका जोबिया करके उसको जो है पैक करके जो भी हमारे जो है एक डिलीवरी पॉइंट हमने क्रिएट किए थे वहाँ तक हम पहुँचा देते थे, वहाँ से कस्टमर हासिल करता था, जिसमें जो है ये जो कंटिन्यूस जो डिसीज़ है ये फैलने का भी जो है खतरा